अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, और हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज पता क्या किया, सुबह उठते ही ना मैंने ना ऊपर का कोई काम भी डन नहीं किया, स्ट्रेट ही हम लोग ना नीचे चले गए। बच्चों को मैंने फ्रेश किया और मैं नीचे चली गई। ये देखिए, जैसे सारा बेडरूम, अभी कोई चीज़ भी मैंने ना एक भी दम ना प्रिपेयर ना किया, नीचे चली गई, बच्चों को नाश्ता करवाया, उसके बाद भी थोड़ा सा नीचे के काम शाम थे वो सारे डन शन करने लग पड़ी। तो अभी जी मैं वापस ऊपर आई थी तो मैंने कहा साथ में ना एक्चुअली विंडो खोलते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ना गर्मी थी, तो फिर ना एसी चल रहा था तो विंडो बिल्कुल भी नहीं हम लोगों ने खोली थी। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब 80-85 है, तो फिर मैंने कहा चलो एसी बंद करते हैं, विंडो खोलते हैं, थोड़ी सी फ्रेश एयर कमरे में आए, और साथ में जी ये सारा जो चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं हर तरफ, मैं क्या इसको समेट के आते हैं और साथ ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज सारा दिन जो भी हम करेंगे वो भी सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी जी सबसे पहले ना ऊपर के काफ़ी सारे काम है जी, वो मैंने ना डन करने हैं नीचे जाने से पहले। और टाइम इस वक्त हो रहा है जी ऑलमोस्ट 2 o'clock, और ना बच्चों के ना खाने का टाइम भी ना थोड़ी देर 3 बजे तक मैं इनको ना लंच देती हूँ, क्योंकि बच्चे लेट ना नाश्ता करते हैं, क्योंकि आजकल है भी समर ब्रेक, तो फिर है ना लेट उठते हैं बच्चे। तो अभी थोड़ी देर तक मैंने कहा ऊपर के, मेरे पास अभी 1 आवर है, तो ऊपर के सारे काम डन करके फिर नीचे जाके बच्चों को करवा देंगे जी नाश्ता। सबसे पहले भी बेड शीट सही करते हैं, रोज़ यही कोशिश होती है कि जो बेड शीट है ना इसको अच्छे से झाड़ा जाए, कंबल्स वगैरह को भी, और हर रोज़ है ना अच्छे से ब्लैंकेट की तह लगा के रखना चाहिए। ये ना हो कि जब आप रूम में आओ तो हर तरफ आपको ना खलारा बिखरा नजर आए ना, तो फिर आप नीचे से ऑलरेडी थक के आते हो, जब आगे इतना मेस देखते हो ना और ज़्यादा बंदे को ना इरिटेट फील होता है। अगर आगे सारा कुछ क्लियर हो, जब आप नीचे से काम करके ऊपर आओ ना, फिर एक अच्छा सा रिलैक्स फील होता है। अभी भी ये भी चीज़ों को नीचे रखते हैं, सारी रूम की एक बार सेटिंग कर लूँ, तो फिर भी मैं आप लोगों से मिलती हूँ। को भी मैंने कर दिया एकदम से साफ सुथरा, सारी चीज़ों को समेट दिया जो बिखरी हुई थी, सारी सारी जिन जगह पर उन्होंने जाना था, जहाँ पे बिलोंग करती हैं वहाँ पे चली गई। एक्चुअली है ना काफ़ी दिनों से ना मेरे ना बैक में ना पेन हो रही थी, तो मैंने कहा शायद ना, कहते हैं ना पाकिस्तान में कहते हैं कि चारपाई पे सोना चाहिए, बेड पे ना सो तो ना कमर की पेन थोड़ी कम हो जाती है, शायद काफ़ी दिन ढोलकी में बिजी वगैरह रहे तो सारा काम में प्रिपरेशन में ना थकावट की वजह से या पता नहीं क्या है। तो ना मैंने सोचा कि मैं क्यों ना 2-3 दिन है ना नीचे सो के देखती हूँ ज़मीन के ऊपर, पर शायद अगर वो बैक में पेन है ना तो वो ना बेटर हो। अभी जी मैं जाने लगी थी लॉन्ड्री रूम में, क्योंकि मैंने ना बच्चों के जो कपड़े ना वॉश करके रखे थे इनको मैंने करना है जी आयरन, और साथ में जी मैंने अपने और उमेश के कपड़े को भी लॉन्ड्री की थी, वो एकदम से वॉश हो चुके हैं, उनको भी ड्रायर में डाल देते हैं और भी ऑन कर देते हैं। अभी जी इसका प्लग, इसको प्लग करें और ना भाई कपड़े सही करें। कपड़े भी मैंने सारे आयरन कर लिए थे, जो हैंगर में जाने थे हैंगर में डाल लिए हैं, बाकी जिनकी तह लगानी थी लगा के ना अभी सारी की सारी चीज़ें जो है ना उमेश के, और जो मेरे कपड़े थे वो भी है ना ड्राई हो चुके थे, उनको भी मैंने कहा मैं ना तह लगा के रख देती हूँ उमेश के दराज में, अपने जो है वो हैंग कर देती हूँ, हैंगर निकालू। आज का जो मेन टॉपिक था भाई उस पर तो मैंने अभी तक कोई बात ही नहीं की, जल्दी से पहले भी उस पर बात करते हैं। अभी देखने वाले सब बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से भी थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं। आज इतनी दिलो जान से मेहनत करती थी और अल्लाह पाक ने मुझे मेरी मेहनत का फल लगाया, मैं 100 में से 1,000 में आई हूँ। अभी मैंने आप लोगों की सपोर्ट के साथ 1,000 में से मैंने 1,00,000 में जाना है, फिर 1,00,000 में से 1,00,000 में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बस इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते जाइएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इसी तरह मोटिवेट करते जाइएगा, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लेके आया करूँगी। सेलिब्रेशन जो है वो भी अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मुहर्रम चल रहा है तो मुहर्रम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मुहर्रम में कुछ चीज़ भी सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। जो ढोलकी वाले व्लॉग थे ना वो पहले ही मुहर्रम से पहले ही सारी सेलिब्रेशन होगी थी, तो बस इसलिए मैंने अपलोड कर दिए थे, वरना लेकिन अगर जो कोई भी समझता है कि ढोलकी हम लोगों ने मुहर्रमों में की है तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये 10 दिन सोख के होते हैं तो इनको ना बिल्कुल ना सादा और सिंपल तरीके से ही गुजारना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला जब मुहर्रम के बाद फिर हम लोग सेलिब्रेट जरूर करेंगे 10K का। अगेन थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ऊपर के सारे काम डन करके अभी जी जाने लगे थे जी नीचे, अभी देखते हैं जी नीचे क्या क्या काम है, उनकी बारी आ गई है।
अब्बू नहीं है नीचे, जब भी मैं ऊपर से नीचे हूँ ना, फिर अगर अम्मी अब्बू नीचे ना ना हो तो इतना सन्नाटा सा फील होता है ना, कोई भी मतलब अम्मी अक्सर पता क्या कहती, टीवी लगा लेती हैं या अम्मी अब्बू बैठे होते हैं तो फिर है ना वो एक डिफरेंट सी फीलिंग होती है। अगर नहीं हो तो मैं जब नीचे आऊँ ना ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, इतना सन्नाटा सा क्यों बना पड़ा है। फाइल होने के लिए मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैम जमाने लगी थी जी दही, क्योंकि दही बिल्कुल फिनिश हो गई है और सब जो भी हम लोग है ना दही प्रेफर करते हैं, घर का बाहर का कोई भी शौक से नहीं खाता, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो ना मैं दूध रख देती हूँ, अच्छे से दूध पक जाएगा फिर इसके बाद ना हम जाग लगा देते हैं। अभी मुझे चाहिए स्पून और दूध को लगा अच्छे से फेंट लें ताकि जितना फेंटा होगा दूध उतनी ही अच्छी दही जमती है। यहाँ पे रख लिया जिसमें मैंने दही के लिए जाग लगानी है और साथ में मैंने जाग भी फ्रिज में से निकाल के रख लिया और दूध अच्छे से भी पक चुका है। अभी मुझे लगता है इसको बंद करके ना बस करते हैं, ये ना भाई राज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा अच्छा सा दही जम जाए इंशाल्लाह। बारी आ गई है जी निमरा को पढ़ाने की, क्योंकि इतना टाइम से मैं इतना बिजी थी, इतने दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं कि ना टाइम लग रहा था कि निमरा को लेके बैठ जाऊँ थोड़ा सा 1-2 ABC, मैंने कहा भूल ही ना जाए। तो अभी सारी बुक्स वगैरह निमरा की मैं लेके आई हूँ और निमरा को मैंने कहा आप स्टार्ट करो पढ़ना और मैं इसके पास बैठती हूँ, देखती हूँ इसको कितना भूल गया और कितना आता है। अभी थोड़ा टाइम मैंने आधा घंटा इसको लगवाती हूँ पढ़ाई के लिए। या बस पढ़ ले तो कहती मामा जी मैं हूँ थक गई है, मैनू आ हो गया, मेरा सिर दुख रहा, मैनू चक्कर आ रहे तो उठ के जाके वो चली गई, मामा जी मुझे ब्रेक दे दो, हूँ ब्रेक पे चली गई जी। क्या मैं थोड़ा सा पढ़ती है बाद में कहती है जी बस मैं अभी थक गई हूँ। अभी जी निमरा को दे रहे हैं 5 मिनट का ब्रेक, फिर वापस आके निमरा अपना कम्प्लीट करेगी ABC और छोटी वाली और बड़ी वाली, ठीक है। अभी सपारे का भी याद करना है सबक, कोई छुट्टी नहीं है, टीचर ने बहुत मारना है। निमरा का जो अरबी का टीचर है ना वो पाकिस्तान से पढ़ाता है ना निमरा को, तो मैं इसको कहूंगी टीचर ने आपको बहुत मारना, कहेगी मामा कैसे मारेगा, मैं कहूँ वो मुझे कहेगा और मैं फिर आगे आपको मारूंगी कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है और अभी खेलने में बिजी हो गया दोबारा, फिर मैंने टीवी लगा दिया, मैंने कहा आप थोड़ी देर टीवी देख लो और शहजादा यहाँ पे देख रहा है जी आईपैड, और मैं जाने लगी हूँ जी फिर वापस किचन में, क्योंकि है ना वासफ कह रहा है कि बाजी ना मुझे ना कुछ खाने के लिए बना दे, यहाँ रख देती हूँ फिर जाते हुए ऊपर लेके जाऊंगी और चलते हैं किचन में और बना के देते हैं वासिफ को एग एंड ब्रेड का सैंडविच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भी सैंडविच बना दिया था एग चीज एंड ब्रेड का और वो ले गया अभी रूम में, कहता मैं बाजी रूम में जाके खा, तो मैं डिशेज वॉश करने लगी थी लेकिन यहाँ पे अम्मी लोग आ गए तो अम्मी लोग करके आए जी ग्रोसरी सब्जियां वगैरह लेके आए हैं सारी, अभी थोड़ी सी चीजें आई हैं बाकी अम्मी लेके आ रही है, अम्मी की हेल्प कर रहे थे ले आते सामान जाके बाहर से, मेरा खे हो गया। अच्छा ये उधर जाना है सारा, अम्मी मसाले भी कड़ी पाउडर सारा कुछ ग्रोसरी समेटने के बाद जी अभी अम्मी लेके आई थी कद्दू, इतने फ्रेश थे मैंने कहा फ्रिज में क्या रखने, मम्मी इनका बना लेते हैं जी सालन, तो अभी यहाँ पे जी मैं करने लगी थी कद्दूओं की कटिंग, इनको पील ऑफ करती हूँ, यहाँ पे जी टमाटर हरियों मिर्चों का भी मैंने वॉश कर लिया, एक छोटा सा प्याज ले लिया क्योंकि ना कद्दू इतने ज्यादा नहीं है, जब इनकी मैंने कटिंग करनी है अगर अंदर से पके हुए तो फिर मैंने बीज निकाल देने, बस ना थोड़ा सा सालन बना लेंगे, कुछ सालन पड़े भी हुए हैं और कुछ ये सब मिला के ना तो अच्छा खासा हमारा ना लंच और डिनर हो जाएगा। कद्दू की कटिंग के साथ में प्याज टमाटर और सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, लहसुन अदरक, और अभी जी मैंने कुकर को अच्छे से मिक्स कर दी पहले, फिर उसके बाद जी बंद करके ना तो इसको 10 से 15 मिनट लगा देंगे और अच्छे से इन्होंने गल देना और बाद में एंड पे अच्छे से भून लेंगे और कद्दू एकदम से रेडी हो जाएंगे। जी थोड़ा सा चनों का सालन था तो मैंने कहा अभी तो किसी ने चने नहीं खाने ऐसे सालन के साथ, तो मैंने 2 कप यहाँ पे चावल भिगो दिए, मैंने कहा चनों वाले साथ चावल बना देते हैं और साथ में इधर बन रहे जी कद्दू, भाई हिलना शुरू कर दिया और मैंने इधर भी टाइम नोट कर लिया हुआ है और यहाँ पे जी मेरे पास पड़ा था थोड़ा सा फल, तो ना मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी चाट बना लेते हैं क्योंकि एक तो रोजा भी रखा है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी ना बेटर रहता है अगर आप फ्रूट ले लें सारे, वरना तो फ्रूट खाए नहीं जाते ऐसे, तो मिक्स अगर चाट में बन जाए ना तो वो फिर आपको पता सारे के सारे फ्रूट एकदम से आप ले सकते हो और एनर्जी लेवल भी आपका ना एकदम से बैलेंस रहता है। यहाँ पे मैंगो की कटिंग कर ली है, पपिया और पाइन एप्पल था मेरे पास ड्राई उसकी कटिंग की है, अभी जो बाकी फ्रूट है इसको वॉश कर लेते हैं फिर इसकी भी कटिंग करते हैं। चाट तो भाई यहाँ पे एकदम से रेडी होगी और देखने में इतनी मजा यमी यमी लगी थी, इसको कवर करके ना फ्रिज में रख देते ताकि ना ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्मी है ना तो फिर ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी होती है। यहाँ रख के पहले फ्रिज का डोर खोलते हैं और इसको रख देते हैं जी फ्रिज में, चलिए और अभी चलते हैं जी
अपनी कद्दूओं की तरफ कहाँ तक पहुँचे देखते हैं तो पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब पानी मैंने और ऐड किया और उसके बाद जब बॉयल आ गया तो मैंने अभी यहाँ पे जी चावल ऐड कर दिए हैं और पीछे ओवन को भी मैंने प्री हीटेड पे ऑन कर दिया। जैसे ऑन हो जाएगा मैंने ना इनको ना दम पे रख देना और पीछे बच्चों के चावल रेडी हो रहे हैं। इधर अभी मैं ना कद्दू जो इनका पानी ड्राई कर रही हूँ। जो सारा ना एकदम से रेडी हो गया, मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया और इसको भून भून के अच्छे से देखिए ऊपर ऑयल भी आ चुका है। अभी थोड़ी देर और भून जाए और यहाँ पे बच्चों के लिए जो खिचड़ी है वो भी रेडी हो चुकी है। 1 2 3 चावल भी एकदम से रेडी हो गए हैं। मैंने कहा एक बार हिला देते, ये ना हो ना यहीं पर ही जुड़ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से मिक्स कर देते और फिर छोड़। काफ़ी गर्म है, स्टीम निकलता रहे। के सामने खड़े होकर काम करते रहो तो कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही ना एकदम बाहर को ना तो ठंडी ठंडी सी हवा फील हो ना तो इतना अच्छा फील होता है ना। तो अभी जी मैं बाहर आई थी और यहाँ पे जी मम्मी ने ऑलरेडी ना पौधों को पानी लगा दिया था। मैंने कहा अगर नहीं लगाया तो चलो मैं पानी लगा देती हूँ, और फिर पानी देखा तो ऑलरेडी पौधों का लगा हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे वजू कर लिया और अभी यहाँ पे जी थोड़ी देर बाहर बैठेंगे। इतनी अच्छी अच्छी सी हवा चल रही है और सामने देखे चांद। अभी भी रोजा खुलने में 20 मिनट रहते हैं तो काम शाम सारे डन करके अभी जी हम आ गए हैं बाहर, थोड़ी देर इधर बैठ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ और सब्जियों को मैं देखती हूँ। मुझे इन्हें फलता फूलता देखकर इतना अच्छा फील होता है ना, और एकदम से हर चीज़ ग्रीन ग्रीन है तो और भी ज़्यादा ना अच्छा फील होता है। और माशाल्लाह हर पौधे को कोई ना कोई फल लगा। इधर देखेंगे, देखिए इसको कितनी ज़्यादा हरी मिर्चें लगी हुई हैं। माशाल्लाह बैंगन नहीं, अभी बैंगन को फूल पड़ गया है लेकिन अभी कोई इसने फल नहीं देना स्टार्ट किया, लेकिन देगा इंशाल्लाह ताला जल्दी। फलियाँ इतनी ज़्यादा लगी हैं, पता नहीं ये देखें इधर पत्तों में छुपी हुई हैं, ये देखें यहाँ। मैं तो बैठी थी थोड़ी देर के लिए सांस लेने के, लेकिन बच्चे कह रहे भी मम्मा सानू भूख लगी है सानू दे दो। मैंने कहा चलो बच्चों को कुछ खिलाएं। रोज़ा भी मैंने खोल लिया था, बस मैंने पानी पिया था, चाट जो बनाई थी वो खाने के बाद। फिर जहाँ पे मैंने कहा अभी पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया, रोज़ा खोला जैसे थोड़ा सा खोला एकदम से ऐसे लगता जैसे मैंने अपने कितना ज़्यादा खा लिया। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते, अभी यहाँ पे जाए नमाज बिछा के मैंने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। अल्लाह आप सबके लिए भी दुआ की, अपने लिए भी दुआ की, अल्लाह पाक सबको अपना करम फजल करे। आमीन सुम्मा आमीन। खाना शाना खा के नमाज पढ़ के भी अभी हम लोग आ गए थे जी बाहर। मैंने कहा थोड़ा सा ना वाक का चक्कर लगा के आते हैं, थोड़ा सा ना पेट को सुकून आ जाए। खाना तो क्या खाना होता है, ज़्यादातर पानी पीने की वजह से ना पेट एकदम से ना फुल हो जाता है, बस ज़्यादा पानी पी लेता है बंदा। आपको यहीं पर भी एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।